बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में एजुकेटर्स की, टीचर्स की जॉब के हवाले से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि एनटीएस की जानिब से टीचर्स की नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे होगा, फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, तफसीली मालूमात वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना अप्लाई करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे इस चैनल जॉब रोज़ाना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ, अगर आपने किसी भी जॉब से रिलेटेड मुझसे कोई बात पूछनी है, मुझसे कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम के लिंक पर मुझे फॉलो करके वहाँ से बआसानी आप मुझसे नौकरियों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जी, अब वीडियो का आगाज़ करते हैं और टीचर्स की जॉब्स कहाँ कहाँ पर आ चुकी हैं, इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, तफसीली मालूमात जानते हैं इस वीडियो में। तो जॉब पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आप लोग अपने किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और उस ब्राउज़र में जाकर आप लोग सिंपली हमारी वेबसाइट का नाम टाइप कर लेंगे, JOBSROZANA। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में आकर और आप इसको सर्च करेंगे अपने ही ब्राउज़र में आकर, तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने उसी वक्त जो है वो जॉब रोज़ाना साइट ओपन हो जाएगी। ज़रा थोड़ा सा मेरा नेट पता नहीं स्लो हो गया था, इस वजह से थोड़ी देर लग गई, वरना फ़ौरन जो है वो जॉब रोज़ाना साइट जो है ये ओपन हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान की लेटेस्ट जॉब जो है ये मौजूद होती हैं। जस्ट आप लोगों के लिए ही इन नौकरियों को मैं अपडेट करता रहता हूँ डे बाई डे, ताकि आप लोग हर तरह की नौकरी जो है हमारी वेबसाइट पर आकर देख लें और अप्लाई कर लें। एजुकेटर जॉब 2021, लेटेस्ट टीचर जॉब 2021 अनाउंस, अप्लाई वाया एनटीएस। तो जो दोस्तों आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी, अब इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो एजुकेटर्स की जो नौकरियाँ हैं दोस्तों, इसकी तफसीली मालूमात जो है ये आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी आपके सामने मौजूद है। अब आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से टीचर्स की जॉब्स हैं। मैथमेटिक्स टीचर्स की जॉब्स हैं, फिजिक्स की हैं, अकाउंटिंग की हैं, लेक्चरार की हैं, इंग्लिश टीचर्स की हैं, बायो की हैं, केमिस्ट्री टीचर्स की हैं, और इसके अलावा सिंधी टीचर्स की हैं, मैथमेटिक्स टीचर्स की हैं, उर्दू टीचर्स की हैं, मॉन्टीसोरी डायरेक्टर्स की हैं, और इसके अलावा सोशल स्टडीज़ टीचर्स की जॉब्स हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने जो अप्लाई करना है वो एनटीएस के थ्रू अप्लाई होगा इसका, और ये बाकायदा ऐलान किया जा चुका है गवर्नमेंट की जानिब से। 27 जो थी इसकी अनाउंसमेंट डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अक्टूबर है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स की जॉब्स हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 35,000 से 45,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकती है। गवर्नमेंट कैटेगरी की जॉब्स हैं और ये फुल टाइम की जॉब्स हैं, मतलब आप लोगों का जो एक स्कूल टाइम होता है वही यहाँ पर टाइम जो है वो रखा गया है। अब तो दोस्तों आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह होगा, इसका फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट है और इसके आगे इसकी उम्र की हद भी मौजूद है, और आगे जो है दोस्तों इसका एक्सपीरियंस वगैरह जो है, लेक्चरार के लिए भी जॉब्स हैं, कॉलेज वगैरह के लिए भी जॉब्स हैं, तो यहाँ से आप तफसीली मालूमात जो है दोस्तों वो देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें एडवर्टाइजमेंट आपके सामने जो है ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुका है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट जो है दोस्तों वो देख सकते हैं और मुकम्मल मालूमात के लिए आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्म वगैरह कैसे डाउनलोड होगा, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। चलान फॉर्म वगैरह कैसे आप लोग पे करेंगे, बैंक में जाएंगे और कैसे चलान पे करेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ तरीका जो है वो दोस्तों अभी शेयर कर देता हूँ। एजुकेटर जॉब, सॉरी, ये मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लिया, वो बैक हो गया था, कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों एजुकेटर जॉब 2021 है, हम इसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये ले रहे हैं। तो आप लोगों ने क्लिक करना है एजुकेटर जॉब के ऊपर ही, और उसके बाद जो है मैंने सारा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है वो रह गया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने तरीका बताया, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है वो बआसानी जो है वो जॉब के लिए भी अप्लाई हो जाएगा
और इसके बाद जो है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। उसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन करने का जो बटन है वो ये रहा, आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग आ जाएंगे। उसके अलावा आप लोग देंगे CNIC नंबर देंगे, CNIC नंबर कन्फर्म करेंगे, डिज़ायर्ड पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट जाहिर बात है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी भी एक जॉब को, सेलेक्ट सेकेंडरी लेवल बायोलॉजी और ये है लाहौर, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। जो पोस्ट आप यहाँ पर डिज़ायर्ड में मेंशन करेंगे वही आप लॉगिन में भी मेंशन करेंगे, अपना CNIC देंगे, और जो पासवर्ड आपने इस वाली टैब में दिया था, इस वाली टैब में जो आपने दिया था वही पासवर्ड आप यहाँ पर देंगे और लॉगिन करेंगे, और आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने चलान फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। चलान फ़ीस कितनी है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ अटैच करेंगे जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके साथ, और आप लोगों ने फॉर्म के ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उसके ऊपर भेज देना है। अब पेमेंट का क्या प्रोसीजर है उसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जिसकी पेमेंट वगैरह करनी है उसका तरीका जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखें जी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जी इसके जो है वो चलान फीस वगैरह जो है वो यहाँ पर भी मेंशन की जाएगी। आप लोग जो है इनमें से किसी भी एक बैंक में जो है वो बआसानी जो है वो चलान फीस को जमा करवा सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं NTSC पेमेंट प्रोसीजर के लिए। तो आपको NTS की जानिब से जो वीडियो दी जाएगी उसमें आपको मुकम्मल तरीका जो है वो समझा दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या आप लोग मुझे इंस्टा पर बता दीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।